ओके तो आज हम लोग जाने वाले हैं कोडाईकनाल। यहाँ से हमारी बस है कितने बजे, 9 बजे ना सौरभ? पता नहीं 9 बजे बस है और हम लोग डायरेक्टली सुबह मिलेंगे आपसे होटल में। बाय बाय। अब रात की जर्नी थी तो ज्यादा कुछ शूट करने को था नहीं। हम बस स्टैंड पहुंचे, अपनी सीट ढूंढी और बैठते बैठते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। The next day. तो अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं, हम लोग कोडाईकनाल पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट। और अभी बीच में गाड़ी रुकी है क्योंकि सब लोग चाय पी रहे हैं और अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल्स भी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। हमारा टीके फॉल्स कार्तिक। A few moments later. Okay, तो 7:30 बज चुके हैं और हम अपने डेस्टिनेशन यानी कि कोडाईकनाल पहुंचने के बहुत नजदीक हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बस रुका हुआ है, अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब बैंगलोर में जितना टेम्परेचर था बिल्कुल उससे आधा हो रखा है, मतलब 12-13 डिग्री है। आप स्वेटर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग पहुँच जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी। ओके, बहुत ही डेंजर जगह पे हमारा होटल है, थोड़ा सामने आना कैमरामैन। अगर हम लोग थोड़ा सा भी नीचे गिरे तो जाएंगे नीचे लेकिन पहुंचेंगे ऊपर, तू समझा। ये रहा, यहाँ से व्यू देखो आप, इधर हमारा होटल है और फर्स्ट फ्लोर में हमने एक 2 BHK लिया है। हम लोग टोटल 5 लोग हैं और यहाँ भी हम लोग फ्रेश अप होंगे, रेडी होंगे, पता भी नहीं कहाँ जाना है। तो फिर हम लोग जाते हैं, रेडी होते हैं, देन लेट्स गो। ओके, सो दिस इज माय आउटफिट फॉर द डे। और अभी हम लोग जा रहे हैं कोकर्स वॉक सबसे पहले, और उसके पहले हम लोग जाएंगे नाश्ता करने क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है। ऑलरेडी 10 बज गए हैं और आज हमें अराउंड कितने कार्तिक, 6 और 7 प्लेसेस कवर करने हैं, राइट? और शाम तक फिर घूमेंगे एंड देन होम। और मैं उन्हीं लोग के साथ आया हूँ जिसके साथ मैं गोकर्ण ट्रिप गया था, सौरभ। यो, व्हाट्स अप, क्या नाम है? मेरे को जानता नहीं है ये। 5 minutes later. तो ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे संजय होम फूड फैमिली रेस्टोरेंट में, जहाँ पे 7:30 to 10:30 आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, 1, 2, 3 आपको लंच मिलता है, 7 to 10 आपको डिनर भी मिलता है। तो टाइम पे आओगे तो खाना मिलेगा, अदरवाइज टाटा बाय। A few moments later. So we are done with breakfast और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कोकर वॉक। ब्रेकफास्ट का कुछ रिव्यू देना है बिकॉज ब्रेकफास्ट वॉज वेरी गुड मेरे हिसाब से। कॉस्ट अफोर्डेबल भी था और अच्छा भी था, नीट भी था, हॉट वाटर भी था। चलो लेट्स गो टू कोकर वॉक। A few moments later. Look at the view. तो यहाँ से हम लोग को वॉक करते हुए कोकर्स वॉक जाना पड़ेगा, विच इज अराउंड 500 to 600 meters। मैं वहीं पे मिलता हूँ आपको, वहाँ पे फिर मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। वाओ, लुक एट द व्यू। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। सो दिस इज हाउ कोकर्स वॉक लुक लाइक, शानदार नजारा। और हम लोग यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा मैं बस बोल रहा हूँ, एंजॉय नहीं कर रहे बिकॉज बहुत ज्यादा धूप है। लेट्स गो यार, ज्यादा कुछ देखने को है नहीं, सॉरी। निकलते हैं यहाँ से, बादल को कब छूएंगे? हाँ, कब मजा आएगा? यहाँ से उतरो, पैसा कौन देगा? तो यहाँ पे ज्यादा कुछ पैसा देखने को नहीं था, लेकिन जो भी देखा हमने बहुत सुंदर नजारा है। और अब यहाँ से निकलने वाले हैं अपने सेकंड लोकेशन के तरफ, डेफिनेटली 1 time विजिट तो है। यहाँ से जो दिखता है ना, आई डोंट थिंक वो कहीं से दिखेगा। सॉरी भैया, वेयर आर वी गोइंग नेक्स्ट? चर्च। विच चर्च? लॉस एंजेलिस चर्च, सेंट इन अ चर्च। It's near our home here. Is it the most famous church over here? Yes, sir. In Kodaikanal, old church. Old church. Yes, sir. British people came here first. एक पेरिस में है और एक कोडाईकनाल में। ओके। 10 minutes later. So we have reached the church, Last Salad Serene. This is how the church looks like. तो हमने चर्च देख लिया एंड द थिंग इज गर्मी इतनी बढ़ गई है, मैंने अपना जो शर्ट पहना था तो उस शर्ट को मैंने अपने गाड़ी में ही रख दिया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। एंड हम लोग अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा फोटोज वगैरह लेंगे एंड देन विल मूव टू द थर्ड लोकेशन। सो चर्च इज डन एंड नेक्स्ट लोकेशन इज भैया अपर लेक व्यू। 10 minutes later. सो वी हैव रीच्ड अपर लेक व्यू पॉइंट, यहाँ से पूरा लेक का व्यू दिखता है। यहाँ से हम चाहें तो डायरेक्टली जो पूरा लेक दिख रहा है पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने अपर लेक व्यू जो पॉइंट था एक्सप्लोर कर लिया, फोटोज भी ले लिए बहुत सारे जो कि अच्छे आ नहीं रहे। तब हम अपने निकलेंगे अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जो कि भैया बताएंगे अभी, बस जैसे ही हम कैब की तरफ जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट लोकेशन विच इज, मैं भैया से पूछ के बताता हूँ। भैया, विच इज आवर नेक्स्ट लोकेशन? पाइन ट्री फॉरेस्ट। पाइन ट्री फॉरेस्ट, अरे तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, मैं पहले भी पाइन ट्री फॉरेस्ट जा चुका हूँ। अच्छा लगता है वहाँ पे, फोटोज अच्छी आती है और एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज्यादा धूप नहीं होती है तो मजा आएगा। लेट्स गो। सो
पाइन फॉरेस्ट जाने से पहले हम लोग आ गए हैं मोइर पॉइंट पे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है इसलिए मैंने वापस अपनी शर्ट जो थी वो लेन शर्ट वो डाल ली है। एंड वो रहा मोइर पॉइंट जहाँ पे मैं अभी जाऊँगा, तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि यहाँ से कैसा व्यू दिखता है, एंड देन वी विल मूव टू पाइन फॉरेस्ट। 5 minutes later तो फाइनली हम लोग मोइर पॉइंट पहुँच चुके हैं, और यहाँ से इसका ऐसा व्यू आता है और कुछ दिखता ही नहीं है व्यू में, बिकॉज पूरा क्लाउड से भरा हुआ है, फॉग बहुत ज्यादा है, और ये इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे, जल्दी वहाँ से हटो, जल्दी वहाँ से हटो भाई साहब, लिटरली पूरा फॉग हो गया, और मैं आसमान क्यों चाहिए हूँ। सो मोइर पॉइंट इज डन एंड नाउ वी आर मूविंग टू पाइन फॉरेस्ट, यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं, 2-3 kilometers है बस, वहाँ पे जाना है, एंड उसके बाद जो हमारी बाकी के जो विजिटिंग प्लेसेस है वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए हम लोगों ने पहले इन सबको कवर कर लिया, एंड अब हम जाने वाले हैं पाइन फॉरेस्ट के लिए। A few moments later. Okay, तो हम लोग पाइन फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम लोगों को एंट्री के कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, एंड इफ यू आर ब्रिंगिंग कैमरा तो कैमरा के चार्जेस अलग से रखते हैं, अंदर जाते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं अंदर व्यू कैसे हैं, और हम लोग तो फोटोज लेंगे तो वो फोटोज बैक में शेयर करूंगा। दिस इज हाउ पाइन फॉरेस्ट लुक्स लाइक, यहाँ पे बहुत सारी मूवी शूट हुई हैं, सॉन्ग शूट हुई हैं, आई एम बेसिकली साउथ इंडियन जो होते हैं सॉन्ग्स, और तेमम जो सॉन्ग आया था वो भी यहीं पे शूट हुआ है, एंड बहुत सारी मूवीज एक्शन सीन जो होते हैं यहीं पे शूट होते हैं, एंड बहुत अच्छा नजारा है लिटरली, मतलब बहुत यूनिक लग रहा है। ओके, तो फाइनली हम लोग पाइन फॉरेस्ट के बाहर आ चुके हैं, और अब मैं जाने वाला हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। भैया नेक्स्ट डेस्टिनेशन गुना केव्स, गुना केव्स, लेट्स गो। A few moments later. तो हम गुना केव्स पहुंच चुके हैं, ये रहा बैकग्राउंड में, और बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अभी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा खाली होने तो फिर जाएंगे, अभी हम चलते हैं गुना केव्स की तरफ। ओके, तो अब हम लोग गुना केव्स से निकल चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि ज्यादा नहीं 2-3 kilometers है, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, पिलर रॉक। अच्छा भाई, पिलर रॉक्स देखेंगे कैसे हैं, तो दिख ही नहीं रहा कुछ, पूरा फॉग हो पड़ा है। ओके, तो जाने वाले थे पिलर रॉक, लेकिन अभी इतना ज्यादा फॉग हो गया कि हमें पिलर रॉक दिखेगा ही नहीं, चलो पिलर नहीं देखे, ग्रीन वैली देख लेते हैं। तो हम लोग सुसाइड पॉइंट ग्रीन वैली पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे एंट्रेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, एंड यहाँ पे हम लोग को पहले ऊपर चढ़ना पड़ेगा, एंड देन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सुसाइड कहाँ से कर सकते हैं। तो हम लोग ग्रीन वैली पहुंच चुके हैं, बट वी कैन नॉट सी एनीथिंग बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बंदर ही है, पीछे पूरा फॉग हो रखा है, तो यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे, और आई गेस हम लोग कहाँ जाने वाले इसके बाद, लंच पे में भी ज्यादा भूख नहीं लगी, तो फिर देखते हैं कहीं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाएंगे हमारे। 5 minutes later तो फाइनली हम लोग सुसाइड पॉइंट से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, कुछ देख नहीं पाए हम लोग वहाँ पे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लोकेशन इज वे गुड, जो भैया बताएंगे कहाँ पे जाना है, लेकिन उसके पहले हम लोग मे बी लंच करेंगे, बस हमने भैया को कॉल कर दिया, ही मस्ट बी कमिंग आई गेस, वही वाला कैब है। तो नेक्स्ट लोकेशन इज पंबर फॉल्स, जो कि यहाँ से 2 kilometers दूर है, तो पहले पंबर फॉल्स देखते हैं, देन विल गो फॉर लंच, और उसके बाद भैया मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। सो वी हैव रीच्ड पंबर फॉल्स, देखते हैं कि पंबर फॉल्स दिखता कैसा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बट भैया ने बोला कि सामने है तो देख लीजिए एक बार, तो देख लेते हैं। सो हियर इज व्हाट पंबर फॉल्स लुक लाइक, दिस फॉल्स इज नॉट दैट बिग, बट हाँ देखने में बड़ा मजा आ रहा है, बिकॉज प्रॉपर सनलाइट है, वाटर है, और नहा कोई नहीं रहा बिकॉज ज्यादा डीप है नहीं, छोटा सा फॉल है लेकिन देखने लायक है। खाना खाने के लिए वी आर गोइंग टू जेकब्स किचन, विच इज वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, और भैया ने बताया तो सही होगा, बिकॉज अभी तक जितनी भी चीजें भैया ने बताई हैं, और जहां जहां भी भैया हमें लेकर गए हैं, दैट वाज सो गुड। ओके, तो हमारा लंच हो गया है, एंड द फूड वाज फैंटास्टिक, और बजट में भी था, सौरभ को तो बहुत मजा आया क्योंकि बिल उसी ने पे किया है। तो अभी से यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग के लिए, बेसिकली जो भी यहाँ के नेटिव चीजें फेमस होती हैं, वी विल हैव टू कवर इट ऑल। ओके, सो वी हैव रीच द मार्केट जहाँ से हम लोगों को शॉपिंग करनी है, दिस इज द मार्केट, हाउ इट लुक्स लाइक। 250 grams kg,
ओके, तो यहाँ की शॉपिंग हमारी हो चुकी है, हमने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं जो इसमें पैक्ड है, और अब हम यहाँ से निकलने वाले घर के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा बारिश होने के चांसेस हैं एंड गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, मैं ही लेट हो गया हूँ हमेशा की तरह। तो फाइनली हम लोग रूम पे वापस आ गए हैं और अभी हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं, तो सी यू आफ्टर फ्यू मिनट्स। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो अभी मैं आपको थोड़ा रूम दिखा देता हूँ कि कैसा हमने रूम लिया है। अंदर जाने के बाद बेड, लाइट्स और यहाँ पे कर्टेंस लगे हुए हैं जहाँ पे बाहर का विंडो ओपन होता है। यहाँ पे हमें कवर्ड दिया गया है जिसपे मिरर है ऑलरेडी, टीवी जो कि हम ओपन करने नहीं वाले हैं, और एक विंडो दिया गया है इफ आई वांट टू सी द व्यू, और ये है दूसरा रूम व्हिच इज फॉर माय अदर फ्रेंड्स। एंड अब मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ, दिस इज द बालकनी और यहाँ पे दो चेयर्स लगे हुए हैं, और यहाँ का व्यू अगर आप देखोगे तो दिस इज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया जिसको कोडाईकनाल के नाम से जाना जाता है। कहीं भी आप व्यू देखोगे तो दिस इज नॉट नॉर्मल व्यू, मन कर रहा है कि यहाँ छोड़ के जा ही नहीं। क्लाउड्स देखो, आप माउंटेन्स देखो, दूर दूर तक नजर आ रहा है। तो अगर आपको विजिट करना है तो मैं सारे डिटेल्स भी दे दूंगा। तो बेसिकली हम 5 लोग आए हैं यहाँ पे और हम लोग टोटल अराउंड 11,000 समथिंग दिए हैं, 11,200-11,300, और उसमें क्या है, ये जो मैंने आपको 2 BHK रूम दिखाया वो है, प्लस जितना भी ट्रैवलिंग होगा, जितना भी जहां भी साइट सीन होगा उनका पूरा ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस उनका होगा। तो हम लोग सिर्फ 11,000 में ट्रैवलिंग प्लस स्टेइंग दोनों हो गया 5 लोगों का, मतलब ज्यादा नहीं हुआ, 2000 समथिंग हुआ है, 2400-2500 हुआ होगा, और अभी भी मैंने लाइक चेंज नहीं किया, मैं अभी चेंज करूंगा, देन फ्रेश अप हो जाता हूँ, थोड़ा घर के कपड़ों में आ जाता हूँ, देन आई विल सी यू ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके, तो अभी रात के 9 बज रहे हैं एंड अभी हम लोग थोड़ा खाना वाना खाएंगे, थोड़ा और मस्ती करेंगे एंड देन हम लोग सो जाएंगे, और हमें पैकिंग भी करनी है अभी रात में ही, बिकॉज सुबह अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करना है अराउंड 8:30 के आसपास। तो अभी के लिए गुड नाइट। Nothing but sweet